खिलजीपुर नगर परिषद और राजस्व विभाग की टीम ने बस स्टैंड पर स्वच्छता अभियान के तहत अनेक लोगों पर चालानी कार्यवाही कर 9 दुकानदारों से 4,650 रुपए की वसूली की। हम आपको बता दें, पिछले दिनों ही नगर के बस स्टैंड पर अतिक्रमण अभियान के तहत दुकानदारों के टीन सेट सहित नालियों को अतिक्रमण मुक्त किया गया था, परंतु कुछ दिनों बाद ही पुनः दुकानदारों ने दुकानों के बाहर सामान रखना शुरू कर दिया। वही यहाँ ठेले भी लगना शुरू हो गए। इसकी सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम में तहसीलदार शत्रुहंस, सीएमओ के शिवहरे के नेतृत्व में आज बस स्टैंड पर दुकानों के बाहर रखे सामानों को हटवाया। यहाँ चाट के ठेले सहित अन्य ठेलों का सामान विक्रय करने वालों को हटाया। इस दौरान दुकानदारों और टीम के बीच नोकझोंक भी हुई। तहसीलदार ने बताया कि चालानी कार्यवाही सतत चलेगी। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। स्वच्छता अभियान के तहत जो गंदगी पैदा कर रहे हैं, गलत जगह जो अपने ठेला लगाए हुए हैं, उनके अर्धन अधिरूपित किया गया है और 9 लोगों पर कार्रवाई की गई है और 4,650 रुपये की राशि वसूली गई है। और सतत प्रक्रिया रोज देखेंगे, इसे शाम को भी हो सकता है देखें सुबह, और अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, ये मेरा लक्ष्य। सर, ये किन किन लोगों काटे चलान? नाम बता दें। राम बाबू हैं एक, इनका 50 रुपये कटा है, चाय ठेला था। ईसा लाल जी मालाकार हैं, और लखन गुप्ता जी, और मनोज जी सिंह, मनोज सिंह, और दीपचंद, विष्णु मालावा, जगदीश, राजेश, इतने लोग। सर, ये क्यों काटे इनके? ये गंदगी फैला रहे थे यहाँ शहर में, और गलत जगह है, अपना व्यापार करके रास्ता अवरुद्ध भी होते, इसको दूषित कर रहे थे शहर। स्वच्छता अभियान के तहत उनका धन अधिक। और कुछ लोगों को छोड़ दिया? नहीं, किसी को नहीं छोड़ा गया। जो लोग थे उनको भी काटा गया, जो आगे बढ़ा के चाय ठेला वगैरह और दाना पत्थर फैला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।